तो दोस्तों अब बापू लाल बादशाह जी के डेरे से हम निकल चुके हैं। तो अंदर ना दोस्तों वीडियोग्राफी फोटोग्राफी वगैरह ना अलाउड नहीं है। मेरे को ये समझ नहीं आती ना कि जब लाइव होता है, जब मेले वगैरह लगते हैं, तो उस टाइम तो दुनिया भर का मीडिया वहाँ पे गया होता है कि नहीं? उस टाइम मना क्यों नहीं करते? तो दोस्तों अभी हम बापू लाल बादशाह जी से बाहर आ चुके हैं और यहाँ से आपने राइट मुड़ना है, बस यहीं तक ही है। ट्रैफिक थोड़ा बहुत जो भी है, आगे से रास्ता हमारा साफ हो जाएगा। लड़ाई होगी यार। एक बात है ना यार, इंसानों में प्यार तो रहा ही नहीं, हर जगह लड़ाई, कहीं भी देख लो ना, हर जगह लड़ाई लड़ाई लड़ाई। सो दोस्तों यहाँ से हमने इधर को राइट मुड़ना है लुधियाना की तरफ। तो दोस्तों ये आ चुका है रेलवे फाटक, तो अभी तो खुला पड़ा है। कई बार ऐसा होता है कि बंद होता है तो वेट करनी पड़ती है, बट अभी साईं जी की कृपा से खुला ही है। तो दोस्तों एक आपको गाना सुनाते हैं, ये जो ठगी ठोरी करते हैं ना लोग की इनका जमीर जिनका मर चुका है, तो उसी बात पे एक गाना याद आ गया बाबा गुरदास मान जी का लिखा हुआ, तो सुनिए। ए दुनिया मंडी पैसे दी हर चीज विकेंदी पासजना, ए दुनिया मंडी पैसे दी हर चीज विकेंदी पासजना, एथे रोंदे चेहरे नहीं विकदे, एथे रोंदे चेहरे नहीं विकदे, हसण दी आदत पासजना पासजना आसजना, ए दुनिया मंडी पैसे दी, ए दुनिया मंडी पैसे दी। अभी दोस्तों आप सामने देख रहे होंगे एक कपल जा रहा है, मैं थोड़ा सा तेज करता हूँ दोस्तों, मैं वैसे तेज चलाता नहीं हूँ लेकिन थोड़ा दिखाना पड़ेगा आपको। ये देखो सामने एक कपल जा रहा है और दोनों के, चलो वैसे होना ज़रूर चाहिए क्योंकि अगर लेडी गिरेगी क्या उसको चोट नहीं लगेगी, दोनों के सिर पे हेलमेट होना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हो किसी के सिर पे हेलमेट नहीं है। चलो लेडी के ना भी हो तो जो चला रहा है उसके सिर में तो हेलमेट होना चाहिए, लेकिन नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अभी प्यास लग चुकी है, तो यहाँ पर गन्ने के जूस वाला है, तो यहाँ से गन्ने का जूस पी लेते हैं उसके बाद चलते हैं। काफ़ी गला सूख गया दोस्तों। देखो दोस्तों इस भाई ने भी हेलमेट नहीं पहन रखा है, देखो है हेलमेट नहीं, बताओ। बच्चों को भी साथ में लेके जा रहे हैं, इस महाशय ने भी हेलमेट नहीं पहन रखा, देखो क्या बनेगा दुनिया का। सो दोस्तों जब हम आए थे तो उस टाइम तो कोई जाम नहीं था यहाँ पे, ये फाटक लगा नहीं था, लेकिन अभी देखो जब वापस जा रहे हैं तो फाटक लग गया। चलो कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं कब खुलता है ये फाटक। तो दोस्तों अभी हम फिलौर आ चुके हैं और हमने जाना है लुधियाना, साईं जी के दर्शन करके वापस आ गए हैं, अभी लुधियाना जाना है। तो आपने इधर को मुड़ना है दाईं तरफ को, ठीक है जी। पीछे भी बताया था जब आए थे, जाते हुए टाइम भी बता रहे हैं कि इधर को मुड़ना है, अभी आपको लास्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आपको बताते हैं रास्ता कहाँ से है। तो ये नीचे से गुफा कह लो इसको आप, गुफा क्या कहते हैं यार इसको, समझ नहीं आता, ओवर ब्रिज, इसके नीचे से आपने आना है और इधर को हम मुड़ जाते हैं। अभी ये देखो ये लोग राइट साइड आ रहे हैं या रॉन्ग साइड, ये बताओ पहले। पता नहीं क्या होगा, इंडिया का रूल एंड रेगुलेशंस तो है ही नहीं कहीं पे। सो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मेन हाईवे के ऊपर, यहाँ से मुड़ जाते हैं हम दाईं तरफ को, और ये हमने हाईवे पकड़ लिया है सीधा लुधियाना का। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं घंटा घर, मतलब अभी घंटा घर आया नहीं है, अभी यहाँ पर देखिए इन्होंने रास्ता यहाँ से ब्लॉक कर दिया है, और ये रास्ता इसलिए ब्लॉक किया है शायद पुल की वजह से, कि पुल ये वीक है और उधर से रास्ता बना दिया इन्होंने, जो बड़े वाहन हैं उनको जाने के लिए, यहाँ से आप बाइक वगैरह निकाल सकते हो, या फिर ये जो छोटे ऑटो टाइप के हैं ना, ये देखो ये ई रिक्शा जा रहे हैं, इनको निकाल सकते हो।